एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश आज हरेक सेक्टर में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश आज न्यू एज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का भी देश का एक नंबर एक राज्य के रूप में उभरा है। अभी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं कि देश में सबसे अधिक स्मार्टफोन का उत्पादन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। देश का सबसे बड़ा रोबोटिक प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित हो रहा है। देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर का बेस उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है और देश में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन वाला प्रदेश भी उत्तर प्रदेश ही है। मित्रों, ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है और ये असीम संभावनाएं तब बनती हैं जब डबल इंजन की सरकार हो, जनता के साथ बेहतर संवाद हो और टीम वर्क जब कहीं पर जब कार्य होती है, शासन की कार्य पद्धति में केवल ईमानदारी हो बल्कि उसमें उतनी ही पारदर्शिता भी हो तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आते हैं। सरकार की उपलब्धियों से संबंधित ये पुस्तिका आप लोगों को उपलब्ध करवाई गई है, करवाई जा रही होगी। इसमें ये पुस्तिका एक जो यहां विमोचित हुई है अभी मंच के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीजें पिछले 6 वर्ष या 1 वर्ष के अंदर हुई हैं उससे जुड़ी हुई है। मैं आज के इस अवसर पर इस बात को अवश्य कहूंगा कि ये जो पहचान हम लोगों ने पिछले कुछ समय से की है और उस पर आप बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा और उस यात्रा के लिए मैं अपनी पूरी टीम का एक बार फिर आह्वान करूंगा और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा कि उनका जो आशीर्वाद सरकार को प्राप्त हुआ है, डबल इंजन सरकार को प्राप्त हुआ है, ये सरकार पूरी ईमानदारी के साथ उनकी अपेक्षा पर खड़ा उतर करके न केवल केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उन्हें भरपूर देगा बल्कि जहां भी आवश्यकता पड़ेगी उनके हितों के संरक्षण के लिए सरकार बड़े से बड़े कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करेगी। मैं एक बार फिर से पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासनिक टीम के द्वारा जिस प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए एक बार फिर से आप सभी का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। मित्रों, मैं आप सभी का आज के इस संवाद कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। हमारी सरकार को आज अपने दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष में मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सबका संबल है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया में अपनी एक अलग और नई पहचान बनाई है, मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।